भोपाल से बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे, जहां पर पूर्व सीएम बाबूलाल गौर का बयान सामने आया है। 75 वर्षीय येदियुरप्पा के कर्नाटक सीएम बनने पर गौर बोले, राजनीति में सब कुछ चलता है, मुझे मंत्री पद गंवाने का कोई मलाल नहीं है। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान पर बोले बाबूलाल गौर, उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नहीं है जानकारी, साल 2004 में ही हो चुके हैं मुलायम सिंह और मेरे हस्ताक्षर। केन बेतवा को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश यूपी के सीएम के हस्ताक्षर की अब जरूरत नहीं है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का बयान सामने आया है। कर्नाटक में येदियुरप्पा के सीएम बनने पर गौर ने कहा कि राजनीति में सब कुछ चलता है और इसके अलावा मुझे मंत्री पद छोड़ने का कोई मलाल नहीं है। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान को लेकर उन्होंने कहा है कि नितिन गडकरी को उसकी जानकारी नहीं है, साल 2004 में ही मुलायम सिंह और मेरे हस्ताक्षर हो चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े संवाददाता आशीष मंगल सोनी। आशीष, कैसे देखा जाए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के बयान को, जो कि उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा के सीएम बनने पर कि राजनीति में सब कुछ चलता है, क्या कुछ मायने निकाले जाए इस बयान के? देखिए सुनील, राजनीति में उम्र के बंधन को लेकर हर बार सियासी दावपेच चले आते रहे हैं, हर बार अलग अलग बयानबाजी यहाँ देखने को मिली है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में जब उम्र का तकाजा देकर मध्य प्रदेश के दो कद्दावर मंत्रियों को हटाया गया था, उसके बाद से इस पर कई लंबी सियासी बहस हुई थी। और आज जब कर्नाटक में 75 साल के येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का साफ कहना है कि राजनीति में उम्र का कोई बंधन नहीं होता है, उन्होंने समर्थन किया है। साथ ही ये भी कहा कि उनको उम्र के आधार पर उनको मंत्री पद गंवाने का कोई मलाल नहीं है। इसके पहले भी उम्र के आधार पर बात करें तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, राजनीतिक गलियारों में इस तरह की बहस आमतौर पर देखी गई है। चाहे बीजेपी की तरफ से कमलनाथ के उम्र को लेकर हवाला दिया गया हो कई बार, या फिर अब येदियुरप्पा को लेकर ये बात सामने आई है। जी सुनील आशीष, अगर यहाँ पर बात की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो लगातार अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए हैं, और अगर राजनीति में उम्र की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका जो दर्द है वो भी निकल कर सामने आ ही जाता है। निश्चित रूप से सुनील, राजनीति में उम्र को लेकर जिस तरह से खासतौर पर मध्य प्रदेश में जो कवायद हुई थी, उसके बाद बाबूलाल गौर ही नहीं बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरताज सिंह का दर्द भी सामने आया था। उन्होंने भी INE24 से चर्चा करते हुए साफ कहा था, और अमित शाह ने भी उनकी बात पर जो पहले पूर्व में जब भोपाल आए थे तब मुहर लगा दी थी कि उम्र के आधार पर किसी नेता को नहीं हटाया गया है। तो साफ तौर पर ये केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र उनको नजर आया था। इसको लेकर दोनों ही वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर अपनी पार्टी के उचित फोरम पे बात रखी और पार्टी को आईना भी दिखाया है। तो ऐसे में साफ है कि उम्र को लेकर सियासत में इस तरह की बयानबाजियां होती रहती है। हालांकि ये बात सही है कि उम्र को लेकर जिस तरह से दोनों ही मंत्रियों को हटाया गया था, उन्होंने पार्टी को कई बार आईना दिखाया है। आशीष, अगर यहाँ पर बात की जाए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की, तो उन्होंने ये कहा है कि 2004 में मुलायम सिंह और मेरे हस्ताक्षर हो चुके हैं और अब जाकर 2018 हो गया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस बात की जानकारी नहीं है, आखिर कैसे? देखिए, मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये महत्वपूर्ण योजना थी, इसको लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और मुलायम सिंह यादव के बीच में समझौता हो गया था। हालांकि एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद इस मामले की जानकारी कई बार प्रशासनिक स्तर पर जो होती है वो मंत्रियों को नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से कई बार कई अलग अलग चीजें सामने निकल कर आती है। ऐसे में बाबूलाल गौर ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को आईना दिखाया है और साफ कहा है कि मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है, उन्हें इस बात की पूरी जानकारी लेना चाहिए कि पहले हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो अब हस्ताक्षर का कोई औचित्य नहीं है बल्कि उस प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात सामने आ रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में ही बीजेपी की सरकार है, लिहाजा ये जरूरी है कि अब इस जो ये लिंक योजना है इसको पूरा करने में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए।